खबर जशपुर से, जहां ईंट भट्टे में गिरने से 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। 5 मजदूरों में से 4 महिला शामिल हैं, तो वहीं 4 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सिंगी बहार के ईंट भट्टे में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हो गया। ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। खबर जशपुर से है, जहां ईंट भट्टे में गिरने से 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। 5 मजदूरों में से 4 महिला शामिल हैं, 4 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सिंगी बहार के ईंट भट्टा में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हो गया। 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं और ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। बता दें, ईंट भट्टा में गिरने से 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं और 5 मजदूरों में से 4 महिलाएं बताई जा रही हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर है। सिंगी बहार के ईंट भट्टा में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हो गया। 5 मजदूर झुलस गए हैं, हालांकि ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये पूरा हादसा तब हुआ जब वहां लगातार मजदूर काम कर रहे थे और 5 मजदूर इस हादसे में झुलस गए, जिसमें से 4 महिलाएं बताई जा रही हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर है। ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बता दें, सिंगी बहार के ईंट भट्टा में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। पांच मजदूरों में से चार महिलाएं बताई जा रही हैं और 4 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर है। ईंट भट्टे में गिरने से 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। सिंगी बहार के ईंट भट्टा में काम करने के दौरान ये पूरा हादसा हो गया। हालांकि ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है। ईंट भट्टे से गिरने से 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। 5 में से 4 मजदूर महिलाएं बताई जा रही हैं और 4 की हालत बेहद गंभीर है। मेरे सहयोगी अजय सूर्यवंशी हमारे साथ जशपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, ये कब की घटना बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये अभी सुबह की घटना है और 5 लोग ईंट भट्टा में काम कर रहे थे, उसी दौरान ईंट भट्टा की आग में इन लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनसे इनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और स्थिति को गंभीर देखते हुए इनको रायपुर के लिए भेजा गया है। जो 4 महिलाएं की हालत गंभीर बताई जा रही है, उस पर डॉक्टर का कुछ कहना है? जी, डॉक्टरों का कहना यह है कि उनकी स्थिति चिंताजनक थी और यहाँ उनकी उपचार नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनको वो अच्छे उपचार के लिए रायपुर के लिए रेफर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए 5 मजदूरों में से 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें तमाम जानकारी देने के लिए।